Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health. Today's cue card is describe a difficult thing you did. एक difficult task बताना जो आपने पहले किया था. And sub cues are what it was, ये क्या था. How did you complete it, आपने इसको कैसे पूरा किया. Why it was difficult, ये मुश्किल क्यों था. And the last one is and how you felt about doing it, कि आपको end में कैसा लगा जब आपने ये complete कर लिया. So before we move forward to the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video with other students as well. So let's start the answer guys. Difficulties are important part of life that make us learn, give us experience and help us to become wiser. कि जो difficulties है हमारी life का एक बहुत important part है जिससे कि हम learn करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, हमें experience मिलता है और हम wiser बनते हैं, मतलब और समझदार बनते हैं. आई हैव कॉन्कर्ड न्यूमरस डॉन्टिंग टास्क इन माई लाइफ. डॉन्टिंग का मतलब तो डिफ़िकल्ट, कि मैंने काफ़ी जो मुश्किल टास्क किए हैं अपनी लाइफ में. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ थिंग दैट आई डिड इन माई स्कूल डेज. यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एक डिफ़िकल्ट थिंग के बारे में जो मैंने स्कूल में की थी. इट वॉज नन अदर देन विनिंग द स्विमिंग कॉम्पिटिशन एट द स्कूल लेवल. कि सबसे मुश्किल काम जो मैंने किया था स्कूल टाइम में वो ये था कि मैंने एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीता था. When I was in third standard, my dad not only asked me to participate in the swimming competition, but also wanted me to win the competition. कि जब मैं third class में था मेरे father ने कहा था कि मेरे को participate भी करना और वो competition जीतना भी है. At that time, I had no clue about how to swim. तब मेरे को कोई clue नहीं था, मेरे को कोई idea नहीं था कि swimming करते भी कैसे हैं. At first, I wanted to say no to my dad, but I didn't. कि पहले तो मैं उनको मना करना चाहता था पर मैंने किया नहीं. I took on the challenge and wanted to make my father proud. कि मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने अपने सोचा कि मैं अपने फादर को प्राउड फील कराऊंगा. After few days, I took admission in a swimming academy near my house and started taking professional coaching from Rohan sir. कि कुछ दिन बाद मैंने एक स्विमिंग अकेडमी ज्वाइन कर ली जो मेरे घर के पास थी और प्रोफेशनल कोचिंग लेनी शुरू कर दी रोहन सर से. I only had 6 months to prepare for the competition. कि मेरे पास सिर्फ 6 months थे कॉम्पिटिशन को प्रिपेयर करने के लिए. My coach made a training regime for me which I followed properly. कि मेरे कोच ने मेरा एक प्लान बनाया जिसको मैंने अच्छे से फॉलो किया. I used to wake up 4:30 in the morning and reach the academy by 5:15. कि मैं 4:30 बजे सुबह उठ जाता था और 5:15 बजे तक मैं अपनी अकेडमी पहुँच जाता था. The training part wasn't easy at all for me because my body wasn't used to do hardcore exercises. कि जो ट्रेनिंग पार्ट था वो सबसे मुश्किल पार्ट था मेरे लिए क्योंकि मेरी बॉडी यूज्ड टू नहीं थी इतनी हैवी और जो हार्ड कोर एक्सरसाइज होती है उनको करने के लिए मेरी बॉडी तैयार नहीं थी तब. मोर ओवर मैनेजिंग बोथ स्विमिंग एंड अकेडमिक्स वॉज अ चैलेंज फॉर मी. कि पढ़ाई और स्विमिंग को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए. टू बी ऑनेस्ट देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई वांटेड टू क्विट बट समहाउ आई मैनेज्ड एंड केप्ट गोइंग. कि अगर मैं सच बताऊँ वहाँ पर उस टाइम में कुछ ऐसे मोमेंट्स जब मैं गिव अप करना चाहता था बट मैंने नहीं किया और मैं मेहनत करता रहा. With every session, I was getting better at swimming and more importantly, I was gaining confidence too. कि हर session के साथ साथ जो भी मेरे practice session थे उसमें मेरे को improvement दिख रही थी, मेरी swimming अच्छी होनी शुरू हो गई थी और सबसे खास बात कि मेरा confidence भी boost हो रहा था. After 6 months of sheer hard work and discipline, I became confident of winning the competition. Sheer का मतलब होता है complete, proper, मतलब proper मैंने जो hard work किया था 6 महीने में उसके साथ साथ मेरे को क्या confidence आ गया कि मैं ये competition जीत सकता हूँ. Before the competition, my dad and my coach gave their best wishes to me. कि competition शुरू होने से पहले मेरे father और मेरे coach ने मुझको best wishes दी. With their blessings and relentless hard work of mine, I won the swimming competition. Relentless का मतलब होता है लगातार, कि जो मेरे father और coach की जो blessings थी उसके कारण और मेरे जो relentless hard work था उसके कारण मैंने swimming competition जीत लिया. And was as happy as Larry. ये एक idiom होता है बताने के लिए कि हम बहुत happy हैं. As happy as Larry. मतलब बहुत हैप्पी रहना, एक्साइटेड होना. आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर वट आई अचीव्ड. कि मुझे अपने आप पर प्राउड महसूस होगा जो मैंने अचीव किया. आई मस्ट से आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू विन द कॉम्पिटिशन विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई फादर एंड कोच. अगर मैं सच बताऊँ तो मैं कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाता विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई फादर एंड कोच. इन द एंड आई वुड से डूइंग चैलेंजिंग टास्क इज अ मस्ट हैव एट्रीब्यूट टू गेन सक्सेस इन लाइफ. कि एंड में हमने ये बता दिया कि जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं वो हमें करने चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिले लाइफ में. सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस.